बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लुबनाज किचन। आज मैं एक आपको ऐसा आसान टोटका बताने जा रही हूँ जो ईद के करीब, स्पेशली बड़ी ईद के करीब हमारे लिए बहुत ही बचत का हामिल है। जैसे कि हम सबको पता है कि ईद के नज़दीक टमाटर जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और यही टमाटर जो आज मैंने 30 रुपये किलो लिया है, ये ईद के करीब 300 रुपये किलो हो जाएगा। तो इसको मैं आपको सेव करने का बहुत आसान नुस्खा बताऊंगी, और ना ही इसका जायका खराब होगा और ना ही इसका कलर। तो आइए शुरू करते हैं। टमाटर लिए हैं मैंने 2 किलो, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चीनी। सिरका जो है वो टमाटरों का टेस्ट खराब नहीं होने देगा, और चीनी जो है वो इनका कलर खराब नहीं होने देगा। टमाटरों को अच्छा सा वॉश कर लिए, अब इनको मैं काट लूंगी। इस तरह 4-4 पीस में काट लें टमाटरों को। ये आप ईद के अलावा आम हालात में भी इनको सेव कर सकते हैं। जब कभी पता चले कि टमाटर महंगे होने लगे हैं, तो आपने इसी तरह मेरे नुस्खे से टमाटरों को सेव करना है। अगर 1 किलो टमाटर हैं तो आपने उस हिसाब से 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून चीनी डाल लें। आप 5 किलो टमाटर ले लें, 10 किलो ले लें, जितने मर्जी ले लें, ये खराब नहीं होंगे, बेशक आप इन्हें 6 महीने तक सेव कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टमाटर मैंने काट लिए हैं, अब हम इन्हें ग्राइंड करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम टमाटर डालेंगे। पहले टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालने, ताकि ये ग्राइंड अच्छे से हो जाए। इसके अंदर ये सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून, क्योंकि हमने सारा मिक्स कर लेना बाद में, इसीलिए पहली दफा ही हम चीनी और सिरका साथ ही डाल लेंगे। और अगर ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें। इन्हें ग्राइंड करें। ये ग्राइंड हो गए, अब इसका लिक्विड बन गया है। अब हम और टमाटर डालेंगे। अगर सारे टमाटर एक दफा ही डाल देंगे तो वो फिर ग्राइंड नहीं होंगे। इसमें पैसे की भी बचत है और टाइम की भी बचत है, कि ईद पे जब आपने कढ़ाई बनानी है या कोई आपने डिश बनानी है तो फौरन निकालें और डाल लें। अब थोड़ा सा इसमें बचा लिया मैंने, इसी में अब और टमाटर डालूंगी, ताकि बार बार पानी ना डालना पड़े। जब टमाटर ग्राइंड हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें सेव कैसे करना। चलें जी, टमाटर सारे ग्राइंड हो गए। ये वाला बाउल छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने इसको बड़े बाउल में डाल लिया। अब टमाटर के पेस्ट को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि सिरका और चीनी अच्छी तरह सब में मिक्स हो जाए। अब ना तो इसका कलर खराब होगा और ना इसका टेस्ट खराब होगा। मिक्स हो गया। अब टमाटरों को सेव करने के लिए मैंने ये आम सिंपल शॉपिंग बैग लिए। ये ज़्यादा महंगे इसलिए नहीं लेने के जो हमने टमाटरों में बचत की है तो इसमें वो ज़ाया हो जाएगा।
इसलिए आम शॉपिंग बैग नहीं, ये एक पाव वाला छोटा शॉपिंग बैग लिया मैंने। अब ये मैंने एक सर्विस मग लिया है, इसमें दो टमाटरों का पेस्ट जो है वो इसमें पूरा आता है। तो अब आपने अपने हिसाब से, अगर आपने ज़्यादा टमाटर यूज़ करने हैं तो ज़्यादा टमाटरों के हिसाब से आप डाल लें। इसमें दो टमाटर का पेस्ट है। अब मैं हर शॉपर में ये दो दो डालूंगी ताकि एक शॉपिंग बैग में चार टमाटरों का पेस्ट आ जाए। किसी में दो डाल लें, किसी में चार डाल लें, ये आपने अपने हिसाब से इनको सेव करना है। अब ये देखिए, इस तरह लें शॉपिंग बैग, इसमें एक ये डाला और एक ये। अब हमारे पास चार टमाटर का पेस्ट आ गया। आपने अपने हिसाब से अपने शॉपिंग बैग बनाने हैं। अब इनको हम इस तरह एक गिरा लगाएंगे और किसी भी बाउल में या ट्रे में इनको रखते जाएंगे, इस तरह रखते जाएंगे। जितने टमाटर आप चाहती हैं उतने आप फ्रीज कर सकती हैं। अब किसी में हम तीन डाल लेंगे, किसी में दो और किसी में एक, फिर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। गिरा इस तरह लगाएं कि जैसे ये देखें गिरा लगी हुई है, इसको यूं हम खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। ये इस तरह लगानी है गिरा, ताकि फ्रीज होके भी ये देखो। अब इसी तरह मैं पेस्ट डाल लूंगी सब में। पैकेट हमारे तैयार हो गए। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा जितने बनाना चाहें अपने पैकेट बना लें। मैंने 2 किलो में 15 पैकेट बनाए हैं। अब आपने इन पैकेट्स को फ्रीजर में, फ्रिज के फ्रीजर में, या अगर आपके पास डीप फ्रीजर है तो उसमें इनको फ्रीज कर लें और फिर जिस तरह चाहें इनको इस्तेमाल करें। अब हम इसी तरह इनको फ्रीज कर लेंगे और फिर जब आपको ज़रूरत पड़े पैकेट निकालें और इस्तेमाल करें। इसी तरह मैंने ये देखें, इसमें मैंने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी इस तरह रखी होती है। ये मैंने पुदीना रखा हुआ है ताकि जब कोई गेस्ट वगैरह आए, कोई काम हो तो फौरन फौरन। ये धनिया है, ये मैंने प्याज काट के रखा हुआ है, ये लहसुन है, और इसी तरह ये चॉप किया हुआ प्याज है ताकि ऑमलेट वगैरह बनाना हो तो फौरन यहां से निकालें और इस्तेमाल कर लें। थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने इस तरह रखी होती हैं ताकि फौरन निकालूं और इस्तेमाल कर लूं। आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप भी इसी तरह सेव कर लिया करें थोड़ा बहुत। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है तो इसे जरूर ट्राई करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।